हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स को कवर करेंगे वो रेगुलर पोस्ट हैं। काफ़ी कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आती हैं जो रेगुलर होती हैं। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो रेगुलर है। काफ़ी सारी इसमें पोस्ट हैं, टीचिंग पोस्ट भी हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अलावा इसमें बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, हम वीडियो में चेक करेंगे। काफ़ी सारी इसमें स्ट्रीम्स हैं और काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल रोजगार फॉर यू को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जॉब अपडेट्स के लिए। मैं इस चैनल पर जॉब नोटिफिकेशंस लेकर आती रहती हूँ और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे और आप टाइम रहते उसके लिए अप्लाई भी कर सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल रोजगार फॉर यू को। तो चलिए अब कवर करते हैं आज की जॉब अपॉर्चुनिटी की सारी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये है एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजिशंस ऑन रेगुलर बेसिस। इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोजिशंस ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये रेगुलर बेसिस पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम स्ट्रीम्स देख लेते हैं। BBA है, BCA है और BTech की आगे है CSE, ME, ECE, EE। तो इसमें BBA की स्ट्रीम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की स्ट्रीम है और BTech की आगे काफ़ी सारे इसमें एरियाज़ हैं। प्रोफेसर में इसमें 1 सीट है BBA में, BCA में भी 1 सीट है प्रोफेसर में, और BTech की अगर बात करें तो CSE में प्रोफेसर की 2 सीट्स हैं, ME में 1 सीट है, ECE में 1 सीट है, EE में 1 सीट है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें BBA में 2 सीट्स हैं, BCA में 2 सीट्स हैं, CSE में 2 सीट्स हैं, ME में 2 सीट्स हैं, ECE में 2 सीट्स हैं, EE में भी 2 सीट्स हैं। तो इसमें हर किसी में दो दो सीट्स हैं हर एक स्ट्रीम में, एसोसिएट प्रोफेसर में। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें काफ़ी सारी है असिस्टेंट प्रोफेसर में। BBA में इसमें 48 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 48, और BCA में इसमें 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं। और नेक्स्ट है CSE, इसमें 4 सीट्स हैं, ME में 2, ECE में 2 और EE में 3 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं BBA में 48 और BCA में 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप वीडियो ज़रूर देखिए पूरी और पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने लेवल पर चेक करने के बाद ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। और नॉन टीचिंग में भी इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, एक सीट है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी एक सीट है, लाइब्रेरियन की एक सीट है। और जो क्वालिफिकेशन, पे स्केल और एक्सपीरियंस होगा वो होगा एज़ पर नॉर्म्स ऑफ UGC/AICTE/MDU रोहतक के अकॉर्डिंग। और क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन BBA, BCA एंड लाइब्रेरियन आर NET/PhD। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो आप ये गिवन वेबसाइट को विजिट करिए। इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए और उसको फिल करके आप 29 जून से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई बाय 29 जून, तो आप 29 जून तक अप्लाई कर दीजिए। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इंस्टीट्यूट के ऑफिस से भी मिल जाएगा। आप किसी भी वर्किंग डे को जाकर लेके आ सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सारे रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स अटैच करने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसर्च पेपर्स और 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच करने हैं, साथ में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अटैच करनी है और बताए गए एड्रेस पर आपने सेंड कर देनी है टू द चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बाई हैंड। और एक कॉपी आपने एप्लीकेशन फॉर्म की, एक कॉपी आपने सेंड करनी है DC/DC/MDU रोहतक को भी। और आप जब भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने लेवल पर वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक किया कीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने लेवल पर चेक करने के बाद, पूरी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही आप अप्लाई किया कीजिए हमेशा। तो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर बेसिस पर पोस्ट हैं और पोस्ट भी बहुत सारी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हमने चेक की, बहुत सारी हैं। टीचिंग पोस्ट भी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और 29 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
और अब हम चेक कर लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये कहाँ से आई है, और उसके पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी रीज़न से ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर किसी को जॉब मिल जाए आपकी वजह से तो कितनी अच्छी बात है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए। फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आई है जे बी नॉलेज पार्क से जो कि फरीदाबाद में है। अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड टू MDU। जे बी नॉलेज पार्क से ये जॉब नोटिफिकेशन है फरीदाबाद से। वेबसाइट यहाँ पे गिवन है www.jbcollege.in। फ़ोन नंबर्स यहाँ पे गिवन है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी गिवन है। तो अपने लेवल पर पूरी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद आप अगर एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और कमेंट करके आप ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर कोई कमी है तो आप वो भी बताया कीजिए और बताइए कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जे बी नॉलेज पार्क फरीदाबाद से जॉब नोटिफिकेशन है, रेगुलर बेसिस पर ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। JB Knowledge Park invites applications for the following positions on regular basis. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के अलावा इसमें बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, और सीट्स भी हमने देख ली बहुत सारी हैं। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।